भारतीय जनता पार्टी का नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थन में अभियान चल रहा है। इसके तहत आज शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। रामलीला मैदान में आयोजित सभा स्थल में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा CAA को लेकर जनता के बीच में जा रही है, जिससे कानून को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। लाल कुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तमाम लोग सड़कों पर आए हैं और अभी ये क्रम जारी है। आज उन लोगों को जो कभी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, जो कभी कहते थे कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस तरह की नरगल बातें जो लोग कर रहे थे, आज वो फिर प्रधानमंत्री जी के इन 6 महीनों में जो कोई डिसीजन उन्होंने लिए हैं, चाहे अयोध्या से संबंधित हो, चाहे 370 से संबंधित हो, या फिर 3 तलाक से संबंधित जो संशोधन उन्होंने किए हैं, आज नागरिकता संशोधन अधिनियम पारण हुआ है, उससे बौखला करके और तरह तरह की अनर्गल बातें समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये वही कांग्रेस है जो ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में बनाई थी देश पर राज करने के लिए, और राज करने का उन्होंने एक ही तरीका निकाला था कि समाज को तोड़ो, समाज को विभाजित करो और राज करो। आज वही काम कांग्रेस और तमाम तथाकथित जो प्रगतिशील कहते हैं, जो वामपंथी कहते हैं, वो तमाम दल मिलकर आज वही काम कर रहे हैं।